नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। होने वाले चुनाव में नतीजे आने से पहले ही हरा दिया है कोरोना को, चाहे फिर हो फिरोजाबाद मंडी समिति या हो टूंडला मंडी समिति। दोनों में देखने पर ऐसा नजारा आता है जैसे कि चुनाव वीकेंड लॉकडाउन फिरोजाबाद के जिले में नहीं, किसी कोरोना मुक्त जिले में चुनाव होने जा रहा हो। सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम देखने पर भी नहीं दिख रहा है। अगर ये चुनाव से हटकर ये सब होता तो ना जाने आज यूपी पुलिस कितने ही करोड़ रुपए आज सरकारी खजाने में जमा कर दिए होते। जहाँ ठेला पटरी और वाहन चालक जैसे लोगों द्वारा ये उल्लंघन किया गया होता तो ना जाने क्या होता। कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टी रवाना। आपको बता दें, मंडी समिति टूंडला से रवाना की गई 308 पोलिंग पार्टी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतदान प्रक्रिया सोमवार यानी कि कल पूरी की जाएगी। इसे लेकर आज मंडी समिति टूंडला परिसर से 308 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। टूंडला क्षेत्र में सकुशल चुनाव सम्पन्न कराने के लिए एक जोनल मजिस्ट्रेट, एक सहायक सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। SDM टूंडला ने बताया कि हर पोलिंग पार्टी में 4 लोगों के हिसाब से 1232 कर्मियों और 120 लोगों को रिजर्व में रखा गया है। 80 वाहनों के जरिए इन सभी को मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया है। 2 मई को मतगणना होगी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। हमारे 3 ब्लॉक आते हैं, एक ब्लॉक पूरा टूंडला ब्लॉक और 2 ब्लॉक का कुछ पार्ट आता है जैसे नारखी और फिरोजाबाद। तो टूंडला ब्लॉक में 308 मतदान स्थल हैं, नारखी में 56 और फिरोजाबाद में 33। यहाँ मंडी समिति टूंडला से हम लोग टूंडला ब्लॉक के जो मतदान केंद्र हैं 308, उनके लिए पोलिंग पार्टीज रवाना कर रहे हैं, जिसमें हम जो कार्मिकों की जो ड्यूटी लगी है, एक तो हमारी सहायक सुपर जोनल मैडम है श्रीमती नवोदिता शर्मा, और एक जोनल मजिस्ट्रेट हैं, 16 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, और हर पोलिंग पार्टी में 4 लोगों के हिसाब से 1232 कार्मिक हैं जो जा रहे हैं पोलिंग पार्टीज के साथ। 120 का हमें रिजर्व मिला हुआ है और 150 के लगभग और भी जो कार्मिक हैं वो हमारे काम कर रहे हैं विभिन्न चीज़ों के लिए। तो ये इस तरह से हम लोग 80 वाहनों के थ्रू इन 308 पोलिंग पार्टीज को मतदान केंद्रों में हम पहुंचाएंगे और उसके बाद फिर वो यहीं पर रिपोर्ट करेंगे आके, जहां इसके बाद स्ट्रांग रूम में मतपत्र रखे जाएंगे और 2 मई को मतगणना होगी।